टीकमगढ़ जिले में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान बताया कि हम सभी का पहला कर्तव्य अपने गांव को मच्छर से मुक्त करना है और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक मच्छरों का मुक्त करना है, ये हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमें किसी भी तरह मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे खतरनाक मच्छरों को खत्म करने के लिए दवाई का छिड़काव कर गाँव को मच्छर मुक्त करना है। ये जानकारी आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी हरिमोहन रावत द्वारा दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय व्यक्ति जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी आशा कार्यकर्ताओं को दी गई। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक के साथ चंद्र प्रताप सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका जी? क्या और किस संबंध में आपको प्रशिक्षण दिया गया? मलेरिया की बीमारी के बारे में, डेंगू बीमारी के बारे में और चिकनगुनिया के बारे में हमारे पास प्रशिक्षण दी गई। क्या क्या बताया गया आपको, क्या रोकथाम करना है, कैसे? मलेरिया के बारे में बताई गई कि प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा जी प्रभावित होती है और जी मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर से जी अपन के शरीर में फैलता है, बोल के मलेरिया के बारे में बताई गई। इसको कैसे रोकथाम करी जाएगी उसके बारे में दवाई बताई गई और गाँव में जैसे साफ सफाई के बारे में ध्यान देने के लिए बताई गई और साफ पानी और गंदे पानी के बारे में भी जानकारी दी गई कि साफ पानी में कौन सी बीमारी, कौन सी मच्छर पैदा होते हैं और गंदे नाली में कौन से मच्छर पैदा होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। क्या किट वगैरह आपको वितरण किया गया? किट वगैरह भी वितरण किया गया और किट की कैसे उपयोग किया जाएगा उसको भी अच्छे से समझाया गया। क्या आयोजन और क्या कार्यक्रम चल रहा था ये? जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिला मलेरिया कार्यालय में आशा कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में एक कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें जतारा ब्लॉक से, जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 40 आशा कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए थे। इन्हें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, काला बुखार जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जानकारी दी गई। इनके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, इस बारे में भी उन्हें समृद्ध किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।